नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। कोरोना काल में पिथौरागढ़ के लोगों को बड़ी राहत मिली है। यहां स्वास्थ्य विभाग ने टूनेट मशीन की मदद से कोरोना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी भी पॉजिटिव केस को कंफर्म करने के लिए सैंपल को हायर लैब भेजना होगा, मगर नेगेटिव केस को यही डिटेक्ट किया जा सकेगा। टूनेट मशीन एक घंटे में 2 सैंपल की ही जाँच कर सकेगी। जिले में टूनेट मशीन लगने के बाद अब उम्मीद है कि जांच में तेजी आएगी और लोगों को समय रहते इलाज मिल सकेगा। इस मशीन के जरिए कोरोना की जांच 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कोरोना के ई जीन को डिटेक्ट किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में RDRP जीन डिटेक्ट होगा। सैंपल में ई जीन डिटेक्ट होने पर केस को पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन पॉजिटिव केस की कंफर्मेशन हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से ही होगी। अब सिर्फ पॉजिटिव केस ही हायर सेंटर भेजे जाएंगे, साथ ही केस पॉजिटिव आने पर समय पर संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट किया जा सकेगा। कोविड की जांच की मशीन जो ट्रूनेट मशीन है वो स्टेट से आई थी, और उसमें अभी डॉक्टर केसी भट्ट से हमने पूछा था तो छुटपुर वो टेस्ट कर रहे हैं, स्टार्ट वो कर ही रहे हैं। अब उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं उनका पासवर्ड लेके वहाँ पे भेज रखा है ICMR को, तो वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।